सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। गाइज, आप सबको श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से श्रावण स्टार्ट हुआ है और ये बहुत पावरफुल मंथ है ना। 2 महीने का है इस बार श्रावण और बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे। सो जो लोग श्रावण मना रहे हैं या जो लोग फास्टिंग कर रहे हैं, वो अपनी जो शरीर की आपकी अशुद्धियां हैं उसको ख़त्म करने के लिए फास्टिंग करें। इस टाइम पे कोई मन्नतें ना करें, बल्कि अपने आप को हील करने के लिए ये फास्टिंग करें इस टाइम। इस बार एट मंडेज हो रहे हैं, 8 सोमवार इस बार पड़ रहा है। बहुत पावरफुल है, 19 ईयर्स के बाद ऐसा सोमवार आया है। बहुत पावरफुल है, 19 ईयर्स के बाद ऐसा श्रावण महीना आया है। सो ये बहुत पावरफुल है, इसको पूरा यूटिलाइज़ करें। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, सोलमेट्स हैं, उनके लिए ये मंथ बहुत पावरफुल होगा, ये 2 मंथ। सो अपने ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है इस टाइम। जो हीलिंग आप बहुत दिन से नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आप फास्टिंग अगर कर रहे हो तो कैसे आपको फास्टिंग करनी है, इसकी एक वीडियो मैं ज़रूर कोशिश करूंगी पोस्ट करने का 1-2 दिन के अंदर ही, जैसे मंडे के पहले ही, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल सके। ठीक है, सो यस, श्रावण की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत अच्छा सोचिए, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी स्प्रेड कीजिए, ताकि पॉजिटिविटी ही आप रिसीव करो। ओके, सो आज के सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या कुछ इस टाइम पे चेंजेस आपके पार्टनर के थॉट्स पे, फीलिंग्स पे आ रहे हैं। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने क्रश के लिए, एक्स के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए, कोई सिचुएशनशिप है, किसी भी पार्टनर के लिए आप देख सकते हो। हम ओवरऑल सबकी एनर्जी चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, श्रावण का महीना है, सो कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ ज़रूर होने वाले हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं स्पेशली। और श्रावण का महीना क्यों मनाया जाता है, इसकी क्या, इसका रीज़न क्या है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, ट्विन फ्लेम्स जो हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर महीना है, इसके बारे में जितनी जानकारी आप कलेक्ट कर सकते हैं कलेक्ट कीजिए, अपनी जर्नी को और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए। और जब आए हैं जर्नी में तो आपको ज़रूरी यह है कि पूरा एक्सप्लोर करें आप। पता नहीं नेक्स्ट जन्म आपका होगा नहीं होगा, इस जन्म में आपको ज़रूरी यह है कि जितना ज़्यादा विजडम आप कलेक्ट कर पाएँ, जितनी ज़्यादा विजडम बढ़ा पाएँ, उतना आपके लिए अच्छा होगा, है ना। सो यस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करें, ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें और गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो करंट फीलिंग हम देख रहे हैं आपके पार्टनर की, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग हम चेक करेंगे और नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है डिवाइन फीलिंग, इंटेंशन, इंटेंशन, एक्शन क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। चलिए, सो नेक्स्ट 24 आवर्स इसको करते हैं, पता नहीं मन में क्यों आ रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Okay. Beautiful. Action can divine. एक्शन क्या है डिवाइन? ओवरऑल एनर्जी बहुत सुंदर है, ओवरऑल एनर्जी जो है वो न्यू बिगनिंग की है, लेकिन एक्शन जो है वो चेजिंग की एक्शन है। सो ये इंसान जो है इस टाइम आपको बहुत चेज कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर अपने अंदर एक लैकिंग कॉन्शियसनेस फील कर रहे हैं,
आपके लायक नहीं हैं, आप उनसे बहुत बेटर हो, इस टाइप की फीलिंग्स इनकी रहेगी 24 आवर्स। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। One more time, please. Inner voice. Sorrow. Beautiful. Clarification to dekhiye zara. Beautiful. Laziness. Koi बूस्ट ड्रिंक होता है ना, इनको इनको पिलाने की ज़रूरत है कोई एनर्जी ड्रिंक, बहुत लेजी हैं आप लोगों के पर्सन। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज। देखिए मतलब एक्शन में लेजी हो जाते हैं, इंटेंशन फीलिंग सब अच्छी है, एक्शन की बारी जहाँ आती है वहाँ लेजी हो जाते हैं। प्लीज गाइड डिवाइन माई डियर एंजल, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. Support. Crying and depression. Okay. Second chance and divine timing अभी नहीं आया है, obstacle में. Pay attention to the sign and go outside. Okay. दिख रहे कार्ड्स, यस। सो आप लोग के पार्टनर के साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो टॉरस दिख रहा है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। फीलिंग्स इंटेंशंस इनके बहुत अच्छे हैं, क्या चाहते हैं बहुत अच्छे हैं, एक्शन में आके इंसान लेजी हो जाते हैं पता नहीं क्यों। सो जैसे मैंने कहा कि इनको कोई एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है, बहुत लेजी हैं, आलसी हैं, एक्शन लेने में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते करते गाड़ी निकल जाती है इनकी ऐसी, मतलब एक टाइमिंग होता है वो टाइमिंग निकल जाती है इनकी, ऐसा लग रहा है मुझे इनकी फीलिंग्स देखिए, ठीक है। सो अभी जो फुल मून पार हुआ है और अभी जो 77 का पोर्टल आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है 77 का पोर्टल, 777 है इस बार, 777 की एनर्जी है। 7 जो नंबर है ना वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को बताती है। इस बार मैसिव अवेकनिंग हो रही है, इस बार जो मैंने जोडियक साइन रीडिंग की है उसमें मेरे व्यूअर्स की भी बहुत अवेकनिंग चल रही है ऐसा लग रहा है मुझे, और उनके पार्टनर्स की भी बहुत लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं रिश्ते को समझना, इसमें अपने एफर्ट्स लगाना, ये उनको समझ में आ रहा है और बहुत लोगों को एक्शन भी रिसीव हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कमेंट बॉक्स में बहुत लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आए हैं और एक्सप्रेसिव हैं इस बार, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग किस तरह से अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपके पार्टनर का बिहेवियर वैसा ही होगा। बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको समझ में आए ये चीज़ कि आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है आपका एक्शन। सो जो लोग एक्शन रिसीव नहीं कर रहे हैं उनकी एनर्जी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, अपनी एनर्जी इसको आप बैलेंस कीजिए, आप 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ये रीडिंग जो है वो सबके लिए है, अब जो क्रश के लिए आप देख रहे हैं, अगर एक्स पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं जो सेपरेट हैं, सो किसी के लिए भी आप देख सकते हो ये रीडिंग, कोई लव रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। सो इनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके, ये हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे, इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा कोई इंसान अगर इनके लाइफ में आए तो इनकी ज़िंदगी जो है ना वो उसमें चार चांद लग जाएंगी, ऐसी एक फीलिंग इनकी है, ठीक है। एक सपोर्ट आपने उनको बहुत किया होगा पास्ट में, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से, हर डायमेंशन में आपने उनको सपोर्ट किया है, जिससे ये इंसान, इनको ये ज़रूर पता है कि आप पिलर हो इनके लाइफ के, ठीक है। आपके रहने पे इनकी बेस जो है, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग रहेगी, ये इंसान स्ट्रांग फील करेंगे, इनको ऐसा लगेगा कि जैसे ये इनकी हस्ती जो है वो स्ट्रांग हो रही है। आपके नहीं रहने से ये इंसान थोड़ा सा हिल जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ इनकी कोई जर्नी है और ये जर्नी ये इंसान समझते हैं, भले आपसे बात नहीं करते होंगे, बोलते नहीं होंगे, लेकिन अब इसके बाद जिनका भी रियूनियन हो रहा है ना, जो लोग सेपरेट हैं, आपके पर्सन जरूर आपको ये सब चीज़ बोलेंगे कि हमारी जर्नी है, हम सोलफुल कनेक्टेड हैं, इस तरह के, क्योंकि इनको भी अब फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर है जो कि आत्मा से कनेक्टेड है, ठीक है।
सो एक जर्नी आपके साथ ये फील करते हैं, फीलिंग्स इनकी है कि एक जर्नी है आपके साथ, ये इंसान कनेक्टेड हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी ऐसी है कि ये आपको बहुत अबंडेंट देखते हैं, बहुत हाई सोशल, बहुत हाई स्टेटस एक वुमेन, फेमिनाइन एनर्जी ऐसे देखते हैं, ठीक है। आप अगर मेल हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा एक हायर वाइब्रेशन में देखते हैं, आपकी एनर्जी से इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है अभी, ठीक है। सो जो लोग अपने पार्टनर को चेज नहीं कर रहे हैं, उनके अभी भी मैसेज नहीं कर रहे हैं बार बार, जो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके अपनी वर्थ को समझ रहे हैं, जिनकी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी है, उनके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी होगी, उनके साथ ही ये रीडिंग मैच करेगी। फिर से बोल रही हूँ, जो लोग अभी भी चेस कर रहे हैं, जो लोग अभी भी पीछे घूम रहे हैं पार्टनर के, उनके साथ ये रीडिंग मैच नहीं करेगी, ठीक है। जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो स्टेबल हैं, जिनकी एनर्जी स्टेबल है, जिनको अपनी वर्थ पता है कि वो किसी के पीछे भागने के लिए, किसी के आगे बैक करने के लिए नहीं है, उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। सो फीलिंग्स इनकी आपको लेके बहुत ज़्यादा प्योर और पॉजिटिव लग रही है मुझे। ये इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ देखते हैं, भले इनकी मैरिज किसी और से हुई हो या इंसान ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन आपको एज फैमिली ये इंसान देखते हैं, आपको एज पार्टनर देखते हैं। सो कहीं ना कहीं 5D में आप लोग कनेक्टेड हैं, जिससे ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। 5D में कनेक्टेड का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग सोलफुली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, भले अभी सेपरेट भी होंगे जो लोग, उनके लिए भी है, ठीक है। सो अगर आप क्रश के लिए भी देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो ये इंसान आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड है, ठीक है। आपको ये इंसान रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, इंटेंशन क्या है इनकी, ये आपको कोई रोमांटिक इमोशनल प्रपोजल देना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान आपके बिना क्राइंग एंड डिप्रेशन वाली एनर्जी है। सो आपके बिना जो है ज़िंदगी में सब कुछ होंगे इनके पास, लेकिन फिर भी एक कमी इनको खलती है आपके बिना। सो ये इंसान जो है आपके पास आना चाहते हैं और एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है टैरो में, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत इमोशनल एक एनर्जी है, बहुत रोमांटिक, मतलब ये इंसान अपना पूरा प्यार आपके लिए एक्सप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। ये इंसान अब तक अगर अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, तो इस टाइम ये अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इंटेंशन इनकी यही है कि आपको ये प्रपोजल देना चाहते हैं। ये प्रपोजल मैरिज का हो सकता है, एंगेजमेंट का हो सकता है, साथ रहने का हो सकता है, मैरिज के बाद अगर आप लोग सेपरेट हैं तो रिकंसलेशन के लिए हो सकता है आपका। अगर एक्स के लिए आप देख रहे हैं तो रिकंसलेशन के लिए हो सकता है। कुछ ना कुछ प्रपोजल जो है रोमांटिक प्रपोजल ये इंसान आपके लिए लेके आ रहे हैं, ऐसा प्रपोजल जिसको सुनने के बाद आपकी आँखें भर आएंगी, आप बहुत अंदर से आप ओवरवेलमिंग फील करोगे, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है इनकी। अब इनको पता है कि चीज़ें जो हैं इतनी सही नहीं है आप दोनों के बीच, जो कि इतनी इजीली ये प्रपोजल लेके आएंगे और आप एक्सेप्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है ना। एक रिंग लेके आएंगे, अपने नीस पे बैठेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आप मान जाओगे, ऐसा तो नहीं है। अब कुछ ना कुछ इनको ट्रिकी प्रपोजल देना होगा, लाइक शायद आपसे पहले फ्रेंडशिप करें या फिर कैजुअल बातचीत करें, देखिए आपकी एनर्जी क्या है, उसके बाद आपको प्रपोजल दें। सो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इनके माइंड में चल रहा है। अब क्योंकि यह सारे कार्ड पॉजिटिव है, तो पॉलिटिक्स को जो है हम नेगेटिव वे में नहीं ले सकते हैं, कोई कह सकते हैं स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, ठीक है, कि किस तरह से आपको प्रपोजल दिया जाए जिससे आप इनकार नहीं करो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इनकी हालत जो है आपके बिना ख़राब हो रही है, इनको डिप्रेशन हो रहा है, इनको जो है एनर्जी जो इनकी बैलेंस नहीं हो रही है, चीज़ें सही नहीं चल रही है। सो इंसान एक स्ट्रैटेजिकली आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जैसे कि आप मना नहीं करें, इनका प्रपोजल आप रिजेक्ट नहीं करो, ठीक है। ये इंसान देखिए कितना सुंदर क्लैरिफिकेशन, कितना सुंदर आता है। ये जो एक एनर्जी है ना 8 of Pentacles की, ये एनर्जी है मेंटेनेंस की, जो चीज़ें खराब हुई है उनको ठीक करने की, और यहाँ सेकेंड चांस आया है। इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं इंसान, गूज़बम्स आ जाते हैं मुझे क्लैरिफिकेशन देख के। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू महादेव। ओके, ये जो है अब सही करना चाहते हैं सब चीज़, जो भी पहले इन्होंने जो भी चीज़ें खराब की है, जो भी चीज़ें इनके वजह से जो चीज़ें खराब हुई है, वो सबको ये ठीक करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, अब मेहनत करना चाहते हैं। पहले एफर्ट नहीं लगाते थे, तो अब चाहते हैं एफर्ट लगाना। क्या चाहते हैं ये इंसान, इसमें आया है कि ये इंसान चाहते हैं कि मेहनत करना चाहते हैं, इनको चाहिए सेकेंड चांस आपसे, ठीक है, एक और चांस आपसे चाहिए इनको। और इस ये जो है ना इनकी इनर वॉइस है, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि जाओ बेटा टाइम आ गया है, अब जाओ सेकंड चांस मांगो। लेकिन ये जो इंसान है आलसी हैं, लेजी हैं, ठीक है, सोचेंगे बहुत कुछ करेंगे कुछ नहीं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। सो ये इंसान जो है सेकंड चांस चाहते हैं, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इनकी इनर वॉइस इनको गाइड कर रही है कि बस हो गया, अब जाओ बात करो, एक सेकंड चांस मांगो। इनकी अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि आप दोनों को अब
एक होना है और एक मौका इनको मिले ताकि ये चीज़ें को ठीक कर पाएं। सो चाहते क्या है इंसान, चाहते हैं सेकंड चांस, काम करना चाहते हैं, मेंटेनेंस करना चाहते हैं, जो चीज़ें खराब की हैं उसको रिफ्यू करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं आप। सो क्वीन ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो ऑब्स्टिकल में है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी है कि बहुत प्यार इनके मन में है और बहुत एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये इंसान। अब ये इंसान जो है ना अपने प्यार को छुपा छुपा के सप्रेस्ड कर करके इनको अब अंदर से लग रहा है कि फट जाएंगे, ठीक है, एक ब्लास्ट हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। सो इनको एक्सप्रेस करना है लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लायक ये नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लायक नहीं है, ठीक है, या तो इनके मन में ये बैठ गया है कि ये आपके लायक नहीं है, फिर इनको ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि अब ये आपके लायक नहीं है क्योंकि पास्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, जिससे कि किस तरह से उसको सही करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस ज़रूर करना है फीलिंग्स, आपके टूवर्ड्स एक्शन ज़रूर लेना है, आपको ऑफर ज़रूर देना है, लेकिन कैसे वो करेंगे उनको नहीं पता है। सो इसलिए जब ये कैसे करेंगे में आते हैं तो ये लेज़ी हो जाते हैं, ठीक है, ये खुद को आपके लायक नहीं समझते हैं। मे बी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये इंसान कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये इंसान इमोशनली आपको इन्होंने वो नहीं दिया है जो आपको चाहिए था, मतलब जो चीज़ें आपको चाहिए थी ये आपको प्रोवाइड इन्होंने नहीं किया है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इन्होंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है इसलिए आपके हिसाब से शायद ये इंसान आपके लायक नहीं है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपको कोई बेटर मिल सकता है इनसे, या फिर कोई मिल गया होगा बेटर आपको इनसे, तो इनको मौका दोगे क्यों आप? अगर सेकंड चांस ये मांगेंगे तो दोगे क्यों? कोई रीज़न इन्होंने छोड़ा तो नहीं है पास्ट में कि यू नो आप सोच पाएं कि यस इनको एक मौका और देना चाहिए। आपके तरफ से जब ये इंसान सोच रहे हैं ना, तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने इतनी चीज़ें ख़राब कर दी हैं कि अगर सेकंड चांस मांगेंगे भी तो आपके पास कोई रीज़न नहीं छोड़ा है इन्होंने ताकि आप इनको सेकंड चांस दो, ठीक है, ऐसी एक मेंटालिटी इनकी है। सो इसलिए ये इंसान जो है अपने आप को लैकिंग कॉन्शियसनेस, एक तो मुझे ऐसे ही लगता है कि इस इंसान के अंदर ऐसे लैकिंग कॉन्शियसनेस है कि ये इंसान यू नो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है वाली हमेशा कंप्लेन की रहती है। प्लस अभी इनको ऐसा हो गया है कि इतनी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, अब अगर आके ये आपसे एक मौका मांगे भी तो कौन से मुँह से मांगे, और रीज़न आपके पास हो भी तो कैसे हो, क्योंकि दिया तो नहीं इन्होंने रीज़न आपको कोई कि आप सेकेंड चांस दो उनको। सो इसलिए ये इंसान जो है नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, इसलिए लेजी हो रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी क्या है? न्यू बिगनिंग की है, इमोशनल फुलफिलमेंट की है, एक बैलेंस की है, ठीक है, फाइट करना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, अब सबसे फाइट करना चाहते हैं लेकिन इनसिक्योर है, फियर ऑफ लॉस, आपको खोने का एक डर इनके अंदर है, ठीक है, हाँ बहुत ज़्यादा प्यार लेके बैठे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, मन में दबा के बैठे हैं प्यार ये, ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बैलेंस का मतलब ये है कि ये चाहते ज़रूर है कि पेशेंस लाएं अपने अंदर, और चीज़ें जब आपके बीच सही हो जाए दोनों के बीच तो ये बहुत पेशेंसली अब कोशिश करेंगे कि चीज़ें ख़राब ना करें ये, ठीक है, पहले की तरह। सो ओवरऑल जो एनर्जी है वो न्यू बिगनिंग की है, इमोशनल फुलफिलमेंट की है, एक ऑफर की है, ठीक है, इमोशनल रोमांटिक प्रपोजल की है। सो बहुत लोगों को चांसेस हैं कि अभी नहीं 24 आवर्स के अंदर अगर नहीं भी तो इसके बाद जो है प्रपोजल आपको मिल सकता है आपके पार्टनर से कुछ ना कुछ, ठीक है। मुझे 24 आवर्स के अंदर नहीं दिख रहा है कि ये इंसान कुछ प्रपोजल देंगे आपको या फिर बातचीत करेंगे, अगर क्रश के लिए आप देख रहे हैं तो ये प्रपोज करेंगे, मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ये लैकिंग कॉन्शियसनेस में रहेंगे, ठीक है, बहुत सोचेंगे, विचार करेंगे और फिर रुक जाएंगे, इस तरह की एक एनर्जी होगी इनकी, ऐसा लग रहा है मुझे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन टाइम नहीं आया है इनका, माई गुडनेस। देखिए ये जो एक एनर्जी है बहुत प्यार करते हैं, बहुत दिल में बहुत प्यार है, बहुत इमोशन है आपको लेके, लेकिन दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे, जता नहीं पा रहे, चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया अभी, डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप दोनों अभी मिलो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, ऑब्स्टिकल में तीनों कार्ड, तो इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक ये दुखी रहेंगे आपके बिना ऐसे ही और आप इनके बिना ऐसे ही, डिवाइन टाइम पता नहीं कब आएगा और कब आप दोनों मिलोगे इनको नहीं पता है। सो इनकी ऐसी भी मेंटालिटी होगी कि वो डिवाइन टाइम आए, कोई बिजली चमके ऐसा हो कुछ और सब अनहोनी हो जाए और आप दोनों एक हो जाए, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है क्योंकि कुछ करते हुए मुझे नहीं दिख रहे, एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे इंसान। पे अटेंशन टू द साइन, बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे इनको, मैंने बोला ना कि बहुत सारे साइंस मिल रहे होंगे, इन अ वॉइस इनकी गाइड कर रही है कि जाओ बेटा टाइम आ गया है, बट ये इंसान जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं, बस सोच रहे हैं बैठ के, कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। चेसिंग एनर्जी है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा चेस करने वाले हैं, यहाँ वहाँ आपके सोशल मीडिया में, आपके यू नो ट्रू कॉलर में, व्हाट्सएप में, बहुत जगह यू नो चेस करते हुए दिखेंगे इंसान आपको, ठीक है।
कुछ स्टेटस आप डालोगे तो भले आपको देख सकते हैं स्टेटस, ऐसी की एनर्जी रहेगी इनकी, ठीक है। द सोर्स की एनर्जी है, मतलब मैंने बोला ना कि ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो, कोई बिजली चमके बहुत ज़ोर से और कुछ ऐसी अनहो, मतलब होता ना कि एक मिराकल हो जाए और कुछ ऐसा डिवाइन कर दे ताकि आप दोनों जो हैं, आप दोनों की जो आप बीच के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएँ, आप दोनों मिल जाएँ, ठीक है। ऐसी की एनर्जी इनकी है ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ ना कुछ चाहते हैं ये इंसान, मतलब कुछ मिराकल चाहते हैं ये इंसान, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। द सोर्स की एनर्जी है, आप एक सोर्स हो इनके लिए, ठीक है। आप कहते हैं ना कि जैसे चांद और सूरज होता है, तो चांद की जो रोशनी होती है वो सूरज से होती है, बिना सूरज के चांद की बिना सूरज के चांद का अस्तित्व नहीं है। तो वैसी एक अंदर इनकी फीलिंग्स वैसी है, बोलते भले नहीं होंगे आपको ये सब, लेकिन फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि आपके रहने से पॉजिटिविटी रहती है, एक फुलफिलमेंट रहती है, कंप्लीशन होता है, लेकिन आपके नहीं रहने से ये इंसान जो है थोड़ा सा यू नो लो फील करते हैं इंसान, ठीक है। गो आउटसाइड, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है कहीं यू नो बाहर हैं, सबसे अलग हैं ऐसा लग रहा है, घर परिवार में है भी तो सबसे अलग हैं ऐसा लग रहा है। लॉयल्टी के साथ रहना चाहते हैं इंसान, और यू नो कमिटेड रिलेशनशिप किसी का हो सकता है यहाँ पे, जो लोग कमिटेड हैं और अलग होना नहीं चाहते हैं ऐसा हो सकता है। सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप दोनों के बीच। प्रेगनेंसी चाहते हैं इंसान आपके साथ, मतलब अगर आप फेमिनाइन एनर्जी है तो आपसे चाहते हैं, अगर खुद हैं फेमिनाइन एनर्जी तो वो चाहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं डेफिनेटली। ओके, अब और नहीं लूँगी कार्ड्स। सो ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, ठीक है। फीलिंग्स बहुत अच्छे हैं, इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, जो चाहते हैं इस रिश्ते से वो बहुत अच्छा है, लेकिन एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ये आपकी एनर्जी पर डिपेंड करता है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप तो एक्शन नहीं बताते हो, एक्शन ले रहे हैं नहीं बताते हो, पहले आप बोल रहे थे एक्शन लेंगे लेंगे, अब नहीं लेंगे। जो कार्ड्स जो मेरे बोलेंगे मैं वही बोल सकती हूँ, है ना, अपनी मर्जी से मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, वही मैं बता सकती हूँ आपको। देखिए, अगर ये एनर्जी इनकी एक्शन की नहीं है और मैं बोल रही हूँ कि 24 घंटा के अंदर वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो अगर नहीं है एनर्जी तो वो नहीं करेंगे, राइट। आपकी एनर्जी अगर बैलेंस होती तो यहाँ पे आता एक्शन, है ना। आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं है जिसके चलते एक्शन नहीं आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, समझिए इसको अगर समझ सकते हैं तो। ओके, सो मैसेजेस हम देख लेते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं इंसान आपसे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. You are the best thing life has given me. इनको ऐसा लगता है ना कि इनको भगवान ने आपको जो दिया है ना वो इनको यू नो सबसे प्रीशियस हो आप इनके लिए, ठीक है, ऐसा लगता है इनको। ये एम्प्रेस की एनर्जी वैसी एनर्जी है, पता है ना, मतलब एक ऐसे इंसान उनके लाइफ में है जो कि सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, यू नो मिराकल है जिसके अंदर, जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि जिसमें डिवाइन पावर है, वैसे एक एनर्जी में आपको देखते हैं इंसान, ठीक है। सो ये एनर्जी मैं अगेन बोल रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, जो लोग इस एनर्जी में हैं उनके साथ ही ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, ठीक है। अब रेजोनेट नहीं कर रही, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, इसको समझें बहुत ध्यान से। आई एम वॉचिंग यू, तो चेजिंग वाली एनर्जी इनकी रहेगी 24 आवर्स बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं से ये इंसान जो है आपके ऊपर पूरी पूरी नज़र बना के रखेंगे, बालकनी, विंडो, डोर, टेरेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कहीं से भी, ठीक है। पूरी जो इनकी निगाहें हैं वो आपके ऊपर टिकी रहेंगी इस टाइम पे। यू हैव चेंज अलॉट, आप बहुत चेंज हो गए, इसलिए इंसान को ना हिम्मत नहीं हो रही है। यस, ये आएंगे अगर आपके पास तो यू नो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे इनको नहीं पता, और आपके नेगेटिव रिएक्शंस को ये इंसान जो है ना वो नहीं ले पाएंगे, ये हैंडल नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। आई फील गिल्टी फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, सो यही सब चीज़ है। देखिए मैसेज में वही बोल रहे हैं कि जो जिन्होंने किया ना उनको गिल्टी ज़रूर है, अब चीज़ें सही करे तो करे कैसे, सेकेंड चांस मांगे तो मांगे किस मुँह से, और आप दे तो दे किस रीज़न से, कि क्योंकि कोई रीज़न इन्होंने आपको दिया नहीं है कि आप सेकेंड चांस इनको दो, ठीक है। एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू, तो जो भी सॉन्ग ये सुनते हैं आपको इनकी इनको आपकी याद आती है, ये कहना चाहते हैं। आई हैव लॉट्स ऑल होप्स, सारे होप्स इनके ख़त्म हो रहे हैं, इसलिए मिराकल का वेट कर रहे हैं कि कोई बिजली चमके, कोई मिराकल हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे, ये इंसान मुझे ना बहुत इमेच्योर एनर्जी में लगते हैं, छोटे बच्चे की एनर्जी लगती है मुझे इनके, जब भी मैं रीड करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत हंसी आती है। अब मैं हंसती हूँ तो बहुत लोग नाराज़ हो जाते हैं, मैं इनके ऊपर हंसती हूँ, आपके ऊपर नहीं हंसती हूँ, ठीक है। सो चिल, आराम कीजिए आप, और
अपने पार्टनर के लिए अब चाहते हैं रियूनियन, तो अपने ऊपर काम कीजिए, इनर वर्क कीजिए, हीलिंग कीजिए ताकि रिश्ता हील हो पाए। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ की चीज़ें हैं, कर्मा है, उसको हील करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं तो कम से कम कर्मा मेडिटेशन कीजिए ताकि ये इंसान जो है वो हील हो पाए, इनको हिम्मत आ पाए। ठीक है, सो येस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर व्यूवर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।